सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हो आप सभी लोग? और आज मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो आज मुझे कॉलेज जाना है क्योंकि आज संडे भी है, तो संडे को मेरी कॉलेज होती है वैसे, तो ये क्लास लग रही है आज संडे है, क्योंकि जो ओपन से करते हैं उनकी क्लास जो है संडे को सैटरडे को लगती है, ठीक है। तो मैं आज जा रहा हूँ क्योंकि आज संडे की मेरी क्लास है, तो चलेंगे आज और दिखाऊंगा अपनी कॉलेज। आज फर्स्ट डे है कॉलेज का, मतलब पहले भी की थी लेकिन थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर में ये मेरी फर्स्ट क्लास है। तो इस क्लास में चलते हैं, ब्लॉग शूट करेंगे और उसके बाद फिर स्टडी भी करेंगे साथ में, अपनी यूपीएससी की स्टडी वो भी कंटिन्यू रहेगी। और कैसे करते हैं देखना, कैसे करते हैं। तो कॉलेज जाने से पहले मुझे एक स्लेट लगाना है जिसमें करंट अफेयर पढ़नी है, तो करंट अफेयर कंप्लीट कर दें पहले। तैयार तो हो ही चुका हूँ, ठीक है। पहले ब्लॉग शूट नहीं किया था, एक्सरसाइज वगैरह करके एकदम फिर आ गया हूँ, देख सकते हैं। तो चलते हैं फिर, पहले करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं उसके बाद फिर आगे मिलते हैं, और फिर उसके बाद कॉलेज जाना है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के दिन की शुरुआत करंट अफेयर से करते हैं क्योंकि आज एक्सरसाइज किया था लेकिन एक्सरसाइज की वीडियो शूट नहीं किया, ठीक है। तो द हिंदू की करंट अफेयर ये पढ़ लेता हूँ, करंट अफेयर यानी कि द हिंदू का एडिटोरियल वीडियो है, इसको कंप्लीट करते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सभी को। और आज मैं कॉलेज जाने वाला हूँ, तो कॉलेज इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं कॉलेज जाऊँगा, तो इसीलिए फिर नोट भी कर लूँगा जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो आप भी नोट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है, करंट अफेयर के लिए। इसके बाद हम बात करें कि कैसे वो करंट मतलब आपकी कॉलेज है उसको कैसे मैनेज करें, ठीक है, स्टडी के साथ। तो यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं कॉलेज को कैसे मैनेज करेंगे, आज की वीडियो से आप समझ सकते हैं कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि मैं जैसे सुबह कॉलेज जा रहा हूँ, तो उससे पहले पहले मैंने क्या किया कि करंट अफेयर मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, न्यूज़पेपर कंप्लीट किया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, नेसेसरी है हर एवरी एस्पिरेंट के लिए, ठीक है। तो आप इसका काम कर सकते हैं कि कॉलेज या स्कूल जाने से पहले करंट अफेयर न्यूज़पेपर सुबह उठ के कंप्लीट कर लें, क्योंकि 6 बजे वीडियो आ जाती है, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद फिर जाए कॉलेज, और कॉलेज से जब लौट के आओगे तो उसके बाद फिर भी अपनी स्टडी स्टार्ट कर देना। और कॉलेज मानो 4 घंटे 5 घंटे जो लगेंगे, और जैसे मैं अभी करंट अफेयर खत्म करूंगा अपनी, उसके बाद फिर जाऊंगा कॉलेज, ठीक है। तो कॉलेज में मेरे कितना टाइम लगता है, उसके बाद फिर लौट के आऊंगा, फिर अपनी स्टडी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। वैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, और नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर कैसे भी नहीं पढ़ सकते, चाहे कॉलेज जाए या ना जाए। तो अगर किसी को पढ़ने का मन है ना, तो वो ऐसे ही पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है सेक्रीफाइस, तो वही है कि आप आराम से कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई भी और क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं कॉलेज को कैसे मेंटेन करें, उसके लिए मैंने वीडियो ये ऑलरेडी बना रखी है। तो चलिए फिर इसको कंप्लीट करने के बाद फिर चलते हैं कॉलेज और मिलते हैं आगे, और जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज मैंने कंप्लीट कर ली अपनी जो करंट अफेयर क्लास थी वो, और इसके बाद फिर अब निकलना है मुझे अपने कॉलेज के लिए। तो कॉलेज के लिए भाई बैग उठाते हैं, रख लिए हैं वैसे, बुक वगैरह कुछ कुछ चाहिए थी। वैसे तो मेरे टैब में है सारी क्लास किताबें, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ में मटेरियल है ओनली, मतलब बुक नहीं है, तो बुक मैंने रखी नहीं है, ओनली मेरे पास टैबलेट है, टैब ले जा रहा हूँ अपने साथ। तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं फिर कॉलेज में। कॉलेज में क्या मतलब, रास्ते में मिल जाएंगे कहीं ना कहीं दोस्त को, कई सारे मिलेंगे वैसे। तो चलिए फिर चलते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, इसको पूरा देखना एकदम, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप कॉलेज के साथ यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, सब कुछ आपको पता चलेगा। अभी क्लास करके जा रहा हूँ, उसके बाद फिर वहाँ भी क्लास करें, वहाँ से लौट के फिर यहाँ पढ़ाई करनी है, सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि उतना टारगेट निकालना बहुत ज़रूरी है, तो टारगेट निकालना पड़ेगा। तो चलिए फिर चलते हैं, क्लास करते हैं पहले। तो निकल गया हूँ घर से और पहुँचता हूँ कॉलेज, ठीक है। तो देख ही सकते हैं आप लोग जा रहे हैं बाहर, रोड जो है काफ़ी खराब है सुबह का। तो मैं जा रहा हूँ गाइस मेट्रो, और चलते हैं यहाँ से, देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ से थोड़ा पैदल पैदल जाना पड़ता है, ठीक है, आगे मेट्रो है, ठीक है, चलते हैं। देखिए आ गया हूँ यहाँ पर, ठीक है, मेट्रो से आ गया हूँ, अब मुझे जाना है कॉलेज, तो चलते हैं फिर कॉलेज की तरफ। तो सबसे पहले मेट्रो यहाँ से चेंज करनी थी, तो मेट्रो आ चुकी है और यहाँ से फिर निकलते हैं।
दोस्तों यहाँ पर ना काफ़ी स्टूडेंटों की भीड़ थी, बहुत सारे बड़े पढ़े थे अंदर भी बाहर भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि SOL के जो है सारे स्टूडेंट इसी कॉलेज में। तो क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं आ गया हूँ और अपने जा रहा हूँ लाइब्रेरी, क्योंकि क्लास कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद फिर लाइब्रेरी जाऊँगा। अब लाइब्रेरी में पढ़ाई करनी है मुझे, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो बचा हुआ है, तो टारगेट कंप्लीट करना है। न्यूज़पेपर करंट अफेयर वो तो मैंने पहले ही सुबह कंप्लीट कर लिया था, और बाकी जो बचा वो अभी कंप्लीट करना है। चलो आ गया हूँ लाइब्रेरी में और चलते हैं अपनी लाइब्रेरी के अंदर और देखते हैं। तो बुक वगैरह रखी हुई सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मेरा हिस्ट्री का लेक्चर है, ठीक है, हिस्ट्री कंप्लीट कर रहा हूँ पहले लेक्चर, सॉरी PDF है, ठीक है। तो इसी हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो मैं कंप्लीट करूँगा, उसके बाद फिर आगे मिलूँगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. तो पढ़ाई करते करते मुझे थोड़ी सी भूख लग रही, तो इस वजह से फिर मैंने नमकीन यानी कि हैं कुरकुरे ले लिए, तो इसको खा लेता हूँ उसके बाद फिर आगे मिलता हूँ। तो ये भी खाना जरूरी है कभी कभी बीच बीच। ये भी हिस्ट्री की क्लास है, तो ये भी काफ़ी मतलब अच्छी थी, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो देख लेता हूँ एक बार, नोट्स भी रिवाइज करेंगे। दोस्तों हो चुकी है शाम और मैं आ चुका हूँ घर पर, तो अभी टाइम हो रहा है 6:04, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ठीक है। ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।